बनी मामा ब्लॉग चैनल के किसी भी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको आने वाली जो अपडेट हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू बनी मामा और मैं हूँ प्रीति और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ स्किन केयर रूटीन ब्यूटी प्रोडक्ट। सो गाइज आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका टाइट शेड्यूल होने की वजह से आप बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं मेकअप किट में से आप उसे यूज नहीं कर पाते हैं और वो क्या होता है कि रखे 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 एक्सपायर होने लगते हैं आपकी कबर्ड के अंदर और आपको पता भी नहीं लगता है। फिर क्या होता है कि आपको जैसे कि पता है कि मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट और मेकअप किट का इतना ज़्यादा कॉस्टली रहता है कि आपको फेंकते टाइम भी आपका दिल है ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से पेन करने लगता है कि ओ माई गॉड अपनी सारी चीजें हम कैसे फेंके जिसको आपने इतने अच्छे से पूरा रात दिन सर्च करके आप सारी चीजें देखते हैं कंसर्न स्किन कंसर्न टाइप एंड ऑल सब चीजें देख के उसके बाद क्या होता है मजबूरी में आपको फेंकना पड़ता है जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपका जो वर्किंग आप बाहर जाने आपका जॉब जो टाइट शेड्यूल होने की वजह से मेकअप आप कंप्लीटली पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं और एक्सपायर हो जाता है और जिसकी वजह से हमें थ्रू आउट फेंकना पड़ता है। तो आज मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ आपको मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिक और कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिसका आप क्या कर सकते हैं उसी मेकअप किट के जो प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं आप उसका रीयूज कैसे कर सकें जिससे आपको पेन भी ना हो आपको जो हार्ट पेन होता है फेंकते टाइम तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं होगा क्योंकि मैं आपको ऐसा रीयूज करने का तरीका बता दूंगी। तो आप मेरे चैनल पे प्लीज बने रहें और देखते रहें वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए वरना कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट छूट जाएगा जिसका आपको यूज करने का तरीका आप स्किप कर देंगे तो आप प्लीज इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेकअप करना किसे नहीं पसंद है सभी को पसंद होता है। आज के टाइम में इस मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके की वो उसमें आज के टाइम में कोई एक सिंगल ही कोई एक ऐसा होगा जिसको मेकअप करना शायद ही ना पसंद हो वरना क्या होता है आज के टाइम में सभी को ये चीज मेकअप पसंद होता है करना और कोई ही एक सिंगल लड़की शायद होगी जिसके बैग में कोई भी मेकअप किट या प्रोडक्ट वगैरह ना हो क्योंकि सभी के पास होता है। मैं भी अपने साथ लेकर चलती हूँ ट्रैवलिंग में या कहीं भी जा रही हूँ तो मैं थोड़ा जो भी मेरे लिए जरूरी है मैं उसे बैग में जरूर रखती हूँ। क्या होता है कि ना मेकअप करना हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है अपने आप को थोड़ा ब्यूटी और स्टाइलिश बनाने के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट करती हैं सब चीजों को लेके और थोड़ा सा हमें जरूरी भी होता है हमारी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। और लाइफ में अगर थोड़ा सा जैसे कि अगर आप वर्किंग बाहर जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं तो आप वर्किंग है तो वहां पर क्या होता है अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को हम मेकअप का कहीं ना कहीं हम उसका सहारा लेते हैं जो कि सीरियसली हमारे लिए जरूरी होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सभी को करना चाहिए और क्या होता है कि हमारी ब्यूटी भी निखर के बाहर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेकअप का जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसका रीयूज करने के तरीके क्योंकि अगर आप मेकअप यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली आपके वो एक्सपायर भी होंगे क्योंकि कम्प्लीटली तो पूरी तरीके से कोई भी उसे यूज नहीं कर पाता लास्ट तक और इसकी एक्सपायरी डेट भी पास आ जाती है और हमें मजबूरी फेंकना ना पड़े तो इसके लिए मैं यहाँ पर टिप्स आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो फटाफट तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई शेडो की इसलिए आई शेडो तो आपको पता होगा कि आंखों को एक स्टेप अच्छा और दिखाने के लिए लुक में थोड़ा ब्यूटी उसकी बढ़ाने के लिए हमें आई शेडो का हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है और हमें बहुत जरूरत होती है आई शेडो की। लेकिन क्या होता है कि मजबूरी में हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा इसमें कोई एक ऐसा फेवरेट कलर होता है जिसका हम बार बार यूज करते रहते हैं और बाकी की जो पैलेट्स होती हैं वो हो जाती हैं हमारी ऐसे ही यूं ही रखे रखे हमारी खराब एक्सपायर हो जाती हैं और हम एक ही कलर यूज करते रहते हैं। सभी का एक फेवरेट कलर जरूर होता है मेरा भी एक फेवरेट कलर है जिसका मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब बाकी की मैं पैलेट पर ध्यान नहीं देती हूँ तो ऐसा बहुत लोग भी करते हैं इस तरीके से। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका ये एक्सपायर हो जाता है तो आपको बस इतना करना है आपको एक खाली शीशी एक बॉटल ले लीजिए उसमें आप वो जो आई शेडो है उसे सारा उसको निकाल लीजिए उसमें से क्या करिए आप उसे थिनर होता है उसको डालिए उसे और इसके बाद क्या उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसे ऐसे ऐसे करके आपको पूरी तरीके से उसको करना है अच्छे से हिला के फिर देखिए वो पूरी मिक्स हो जाएगा और नेल पॉलिश और आई शेडो का जो भी कलर आपने उसमें मिक्स किया हुआ है वो एक आपका नया कलर
निकल के बाहर आएगा, जो आप एक अच्छी खासी एक नए रंग की नेल पॉलिश बना लेंगे, नेल पेंट, जिसको आपको रीयूज भी हो जाएगा और आपको फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको एक अच्छा खासा एक नए कलर का नेल पॉलिश भी मिल जाएगा। तो है ना, ये मस्त आइडिया। फिर नंबर टू पे बात करते हैं, अपने सबसे महंगे प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं जो हमारे हम जरूर करते हैं, वो है हमारे महंगे महंगे परफ्यूम डिओड्रेंट। यानी कि हम जब यूज करने लगते हैं तो यूज करते समय क्या होता है कि हम पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। डिओड्रेंट तो सभी के पास होते हैं, एक से एक अच्छे होते हैं और कुछ लोग तो डे बाय डे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, मंडे अलग ट्यूजडे अलग, तो ऐसे में यूज पूरी तरीके से उसे खत्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसकी एक्सपायरी डेट हमारी जल्दी आ जाती है। तो रखे रखे ये सारी चीजें अगर आपकी खराब हो रही हैं तो आपकी तो आपको कुछ नहीं करना है, फेंकते समय भी आपको मुश्किल हो रही है। तो सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताती हूँ, आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, अपने जो परफ्यूम है डिओड्रेंट है आप उसका यूज कर सकते हो एक्सपायरी होने के बाद, आप अपना रूम फ्रेशनर बना सकते हो उसे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टॉयलेट होता है वहां जो वॉशरूम एरिया है वहां पर उसे एक की तरह आप यूज कर सकते हो। ये आपका हो गया जो आपके जो डिओड्रेंट आपके जो भी है आपका इसका रीयूज करने का सबसे परफेक्ट तरीका है। इससे क्या होगा, आपको फेंकने और जो पड़ता है आपको वो अच्छा नहीं लगता, वो भी आपकी समस्या आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको और आपका ये अच्छा खासा रूम फ्रेशनर का काम करेगा, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अक्सर यही करती हूँ। तो इसका बेस्ट तरीका यही है। इसके बाद हम थर्ड जो प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है आपका लिप बाम। यानी कि लिप बाम तो हर कोई यूज करता है, विंटर के टाइम में स्किन ड्राई होती है, लिप्स आपके ड्राई होते हैं, तो आपको उस टाइम तो बहुत आपको यूज करने की हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है, बार बार आप हर टाइम यूज करते हो। लेकिन जैसे जैसे समर का जो सीजन आता है आपकी जो वो हैबिट है वो आपकी कम होने लगती है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होने लगती है, तो हमारी वो ड्राई स्किन की और ड्राई लिप्स की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम होने लगती है और आप लिप बाम यूज करना छोड़ देते हो। तो ऐसे में क्या होता है, लिप बाम आपको पूरा तरीके से खत्म भी नहीं पाता है और आपका वो आपका एक्सपायर हो जाता है। तो आपको अब डरने की बात नहीं है, आप इसका रीयूज करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ। आपको करना क्या है, अपने जो नेल्स होते हैं आपके जो नेल्स हैं उसके क्यूटिकल्स को क्लीन करने में आप उसका यूज कर सकते हो, ये बेस्ट है और मैं आप यकीन मानिए कि बहुत अच्छा क्लीन करता है, इतना अच्छा। आप जो क्लीन करने के लिए आप लेके आएंगे ना मार्केट से परचेज करके अपने नेल्स क्यूटिकल्स को साफ करने के लिए क्लीन करने के लिए, वो तो अच्छा वर्क नहीं करेगा जितने अच्छे रिजल्ट ये देता है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानती इन सारी चीजों के बारे में, इसमें क्या मिक्स करते हैं क्या करते हैं, बट मैंने करके देखा है तो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके जो मेरे नेल्स हैं वो पूरी तरीके से क्लीन व्हाइट एकदम हो गए। उसके बाद आप अच्छा सा नेल पेंट अपना फेवरेट कलर का लगाइए, आपको एकदम बेस्ट लगेगा ये तरीका मेरा। और अगर आपका ये आपको रियली आपका वर्क कर रहा है आपके साथ भी, तो प्लीज फटाफट मेरे चैनल को वापस वीडियो पे आके लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्किन टोनर की। यानी कि स्किन टोनर आपको जैसे कि आपने यूज करते होगे आप, और आप यूज करने के जैसे जैसे आप करते हो, इसमें भी स्किन टोनर यूज करने का एक लड़कियों का वुमेन का होता है एक तरीका, क्या होता है कि हम टोनर अपना सीजन के हिसाब से एनवायरमेंट और जो भी चल रहा है विंटर है समर है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्किन को देखते हुए हम परचेज करते हैं। तो ये क्या होता है, हमें टाइम टू टाइम हमें थोड़ा चेंज करते रहते हैं या हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहा है और हम महंगे महंगे स्किन टोनर लेना शुरू कर देते हैं। मेरे पास भी अच्छा खासा टोनर का कलेक्शन है, मैं बहुत सारी चीजें यूज करती हूँ और यूज करने के बाद जब मुझे पता लगता है मेरी स्किन को वो कम्प्लीटली मतलब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है या कोई इन्फेक्शन सा लग रहा है या कोई जलन है किसी तरीके का रेडनेस आ रही है तो मुझे लगता है थोड़ा सा भी सूट नहीं कर रहा है तो मैं उसे तुरंत फटाफट उसे चेंज कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मेरे पास भी अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से मैं उसे फेंक देती हूँ। तो अब यहाँ पर करना क्या है, इसी तरीके से जो आप करेंगे मेरी जैसे तो आपके भी वो अच्छे अच्छे जो आप महंगे महंगे लेके आते हैं और आपको खराब लगेगा कि आपने वो कैसे फेंक दिया। और तो यहाँ पर मैं इसका रीयूज करने का तरीका लेके आई हूँ जो कि मैंने भी इसको ढूंढ लिया है और मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना है, वो टोनर है जो आप लेके आते हो और आपको नहीं आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो आप उसका यूज कर सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन को साफ करने में। इसके अलावा कंप्यूटर टीवी स्क्रीन होती है उसको साफ करने में उसका क्लिंजर की तरह आप उसे एज अ क्लिंजर यूज कर सकते हो।
किसी भी चीज को, यानी कि कोई भी अपना घर के जैसे मिरर लगे हैं आपके, वो भी यार काफी कॉस्टली होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, आप उसको यूज करने में अपना एज ए क्लिंजर आप उसे यूज कर सकते हो। और कोई भी यानी कि कोई शीशे मिरर, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, यानी कोई भी चीज ऐसी मिरर की ऐसी आपको लगती है तो आप उसको एज अ क्लिंजर आप इस टोनर का यूज कर सकते हो। यानी कि फेंकने की अब जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज स्ट्रेस समझ जाइएगा कि सारी चीजें क्या करें, फेंकनी पड़ेंगी तो फेंकिए मत इसे, आप इसे यूज कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अपने जो बारी आती है वो हमारे हैं मेकअप। फटाफट मैं आपको बताने वाली हूँ एक चीज और, कि जो आते हैं ब्रश, यानी कि आपके ब्रश की बारी, मेकअप ब्रश जो आपके पास बहुत सारे होते हैं, कलेक्शन होता है, सभी के पास होता है मेकअप कलेक्शन, किसके पास जो होता है वो ऑब्वियसली ये सारी चीजें यूज करता है, मेकअप ब्रश एंड ऑल। तो जब ये आपके पास यूज करते हो ज्यादा ज्यादा, तो आपका क्या होता है, इनके जो ब्रश की जो ऊपर की जो चीज है ना, आप ये इसे देख रहे हो ना इस तरीके की, तो ये चीज हमारी थोड़ी सी खराब होने लगती है। यानी कि जैसे जैसे आप यूज करोगे तो थोड़ी सी रफनेस आ जाती है, इसकी सॉफ्टनेस चली जाती है। ऑब्वियसली फाउंडेशन है, आप कोई भी कंसीलर आप यूज कर रहे हो या कोई मॉइस्चराइजर एंड ऑल जो भी, तो थोड़ा सा खराब होने लगेगी धीरे धीरे। तो करना क्या है आपको, जब खराब हो जाती है तो आप फेंकने जाते हो, ऑफिस से फेंक देते हो जस्ट बिकॉज आपकी स्किन को प्रॉब्लम ना कर दे। अब फिर से यूज करोगे तो ऑब्वियसली स्किन में चुभेगा, तो इन सब डर की वजह से आप फेंक ही देते हो आपसे। तो फेंकने की जरूरत नहीं है, आप इसे क्या कर लीजिए, आप इसको सबसे अच्छा आप इसे यूज कर सकते हो अपना जो कीबोर्ड होता है आपके पास, जो कंप्यूटर है उसका कीबोर्ड है, या कोई भी इसी तरीके की चीज जहां पर आप डस्ट वहां से निकाल नहीं पा रहे हो, उसको क्लीन नहीं कर पाते हो उसको, तो उस चीज को बारीकी से क्लीन साफ करेगा हमारा ये ब्रश, यानी कि मेकअप ब्रश। आप उसे इजिली आप उसे साफ कर सकते हो। तो ठीक है, चीजों को फेंकने से तो अच्छा है हम उसे चीजों को रीयूज करें अपने घर की और सारी चीजों में, अगर वो यूज हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया है आज बेस्ट तरीका, अपने मेकअप किट में से जो प्रोडक्ट आपके एक्सपायर हो जाते हैं उनको रीयूज करने का तरीका। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।